नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खाल। आज मैं मंगल का श्रवणा नक्षत्र में क्या रिजल्ट होगा ये बता रहा हूँ। श्रवणा नक्षत्र में मंगल की दो प्रकार की गति हो रही है। मंगल सीधे चल रहे हैं और फिर लौट भी रहे हैं। श्रवणा नक्षत्र है, श्रवणा नक्षत्र का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्र तो ये श्रवणा नक्षत्र में जब ये डायरेक्ट चलेंगे तो एक रिजल्ट होगा, इनडायरेक्ट और उल्टे पांव चलेंगे तो एक रिजल्ट होगा। सत्ताईस मई से इस श्रवणा नक्षत्र में है और यहाँ जब ये 15 डिग्री पर पहुँचते हैं, श्रवणा के 15 डिग्री पर, तो यहाँ से ये लौटना शुरू करते हैं। श्रवणा का मतलब होता है 10 डिग्री, किसमें? मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री तक श्रवणा है, लेकिन ये यहीं तक चलते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट चलेंगे तो चूंकि इसका क्लासिफिकेशन मैं ठीक से नहीं बोला हूँ। श्रवणा नक्षत्र में 9 चरण होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ ये मकर राशि में। तो यहाँ से जिस दिन ये रेट्रोगेट हो रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, उल्टे जिस दिन से चल रहे हैं, ये तारीख है 27 जून। 27 जून से ये 15 डिग्री से ये नीचे ऐसे उल्टे चल रहे हैं और यहाँ तक ये रहेंगे करीब 27 जुलाई तक हैं। May 27 से ये डायरेक्ट चल रहे हैं 15 डिग्री में। ये डेट है 27 जून और फिर इसी 27 जून से ये उल्टे हो रहे हैं 27 जुलाई तक। लगभग 2 महीने का इनका भ्रमण काल है। तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ वैसे ही आप देख लीजिएगा। मैंने जो बताया जातक टू जातक में जैसे देखते हैं वैसे ही देखिए। जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक ऐसे देखते जाइए, मित्र परम मित्र। आप एक हस्बैंड वाइफ में देख रहे हैं, दोस्तों में देख रहे हैं, शादी में देख रहे हैं, जब भी देखेंगे तो वो अपने जन्म नक्षत्र से चेस कीजिए कि वो आपके लिए कैसे लगेंगे, कैसे रहेंगे। आपके शत्रु हैं, मित्र हैं, परम मित्र हैं, आपके विपत्ति में आ गए, आपके लिए डेथ में स्टार में आ गए, वो आप देख लीजिए। तो ये नक्षत्र है चंद्रमा का,
पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये चंद्रमा का नक्षत्र है। तो ये क्या रिजल्ट देंगे, मेरे ख्याल से हमको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि है कि मैंने सिस्टम तो बता दिया है। आज सिर्फ रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, कारण कि इसमें थोड़ा सा और अधिक बात आ गई कि यहाँ पर ये रेट्रोगेट हो जा रहे हैं। मंगल यहाँ रेट्रोगेट हैं, मंगल बकरी हैं, यहाँ यहाँ डायरेक्ट हैं। तो हम लोग जैसे बना रहे थे वैसे ही पहले बनाए, यहां पर चंद्रमा रखेंगे, यहां पर मंगल रखेंगे, इसके बाद राहु आया, इसके बाद गुरु हुए, ये फिर शनि हुए। विषोत्तरी दशा का क्रम है, ये बुध हुए, शनि हुआ, शनि बुध, ये केतु, ये शुक्र, यहाँ सूरज, क्रम में ही रहेगा। यहाँ से शुरू करेंगे, चंद्रमा जन्म तारा हो गए, अब मंगल जब ये चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, मंगल श्रवणा नक्षत्र है चंद्रमा का, तो ये मंगल चंद्रमा के घर में है। तो हम देखेंगे कि ये मंगल इस चंद्रमा को कैसे क्या दे रहे हैं। जिनका जन्म मंगल के तीन नक्षत्र में हुआ है वृषरा चित्रा और धनिष्ठा, इसके तीन नक्षत्र में जिनका हुआ है उनके लिए यहां से काउंट करते हैं। ये जन्म नक्षत्र है आपका, और चंद्रमा है यहां, मंगल है चंद्रमा के घर में, मंगल चंद्रमा के घर में है। तो हमको ये देखना है कि हमारे जन्म नक्षत्र से ये चंद्रमा कैसे है, मंगल कैसे है। तो मान लिया किसी का जन्म मंगल के तीन नक्षत्र में हुआ है, वृषरा चित्रा और धनिष्ठा, तो काउंट करेंगे जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक मित्र और परम मित्र। तो जब तक श्रवणा में ये रहेंगे मंगल, तब तक मंगल के तीन नक्षत्र वालों के लिए ये परम मित्र के कैटेगरी में रहेंगे। मंगल रहेंगे परम मित्र के कैटेगरी में, तो इनके लिए ये शुभ हुआ। राहु के लिए गिनती करूं, राहु के तीन नक्षत्र हुए आद्रा शतभिषा, तो राहु के तीन नक्षत्र वालों के लिए जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक और मित्र, तो राहु के तीनों नक्षत्रों के लिए आद्रा स्वाति शतभिषा, तीनों के लिए मंगल का चंद्र नक्षत्र में रहना शुभ हो गया। गुरु के तीन नक्षत्र, यहां से गुरु का देखेंगे, गुरु के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है विशाखा पुनर्वशु और पूर्वा भाद्रा, उनके लिए देख रहे हैं तो जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक, ये मंगल आपके लिए डेथ स्टार में आ गए, तो ये आपके लिए गड़बड़ है।
उसी तरह से शनि के लिए गिनती करूं तो जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक, तो शनि के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रा, उनके लिए मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में रहना शुभ हो गया। बुध से गिनती करता हूं, जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी एनिमी स्टार में हो गया। तो बुध के तीन नक्षत्र हुए आश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, इन लोगों के लिए चंद्रमा का मंगल का चंद्र राशि में आना अशुभ हो गया। केतु के लिए गिनती करता हूं, केतु के तीन नक्षत्र में अश्विनी मकर मूल में जिनका जन्म है उनके लिए तो जन्म संपद विपद क्षेमा, तो जिनका जन्म केतु के तीन नक्षत्र में हुआ है उनके लिए मंगल 27/5 से लेकर के 27/7 तक, दो महीना तक तो शुभ रहेंगे, शुभ हुए। शुक्र से गिनती करता हूं तो जन्म संपद विपद, तो शुक्र के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है भरणी उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा साढ़ा, आपके लिए ये डेंजर जोन में आ गए। और सूरज से गिनती करूं तो जन्म संपद ये आपके लिए फिर धन देने वाले ग्रह हो गए। सूरज के तीन नक्षत्र हुए कृतिका उत्तराषाढ़ा उत्तरा फाल्गुनी, ये शुभ हो गए। तो ये इस विधि से हम देख रहे हैं कि मंगल जब तक इसमें ऐसे चलते रहेंगे तब तक किसको क्या उनसे क्या आशा है, वो मेरे मित्र हैं, वो मेरे परम मित्र हैं, वो मेरे प्रत्यारी तारा में पड़ गए, वो हमारे संपत्ति तारा में पड़ गए, तो उनसे संपत्ति मिल सकती है, उनसे झंझट हो सकता है, ये सब स्थिति हो गई। ये सारी स्थितियां बनी आपके प्रारब्ध के कारण शुभ और अशुभ की स्थिति से। लेकिन मैंने एक बात प्रचलित प्रथा से थोड़ा सा अलग बयान दिया कि जातक मैन टू मैन, मैन टू एनिमल, मैन टू ट्रीज, मैन टू फिशेस, जो भी आप समझ लीजिए जिसमें जीव है उसके लिए ये सिस्टम सही है। मान लिया यहां पर कोई एक आदमी है, ये आपके दोस्त हैं, ही इज योर फ्रेंड, एंड आप यहां पर हो एक्स, तो आप अपना जन्म स्टार कुछ देखोगे, जन्म तारा आपका अश्विनी नक्षत्र में हुआ और इनका जन्म हुआ है चित्रा में, ऐसा सोच लो, तो अश्विनी से चित्रा तक गिनेंगे, अश्विनी हुए केतु और चित्रा हुए मंगल, तो केतु से मंगल को गिनेंगे तो जन्म संपद विपद क्षेमा, तो हम लोग एक दूसरे के बढ़िया पार्टनर हो सकते हैं, ये अश्विनी वाले चित्रा वाले के अच्छे मित्र हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन चित्रा वाले कितना रिस्पॉन्स करेंगे, अश्विनी वाले तो चित्रा को क्षमा तारा में रिस्पॉन्स करेंगे ही, उनसे कुछ इनको मिलेगा, पार्टनरशिप यदि करेंगे तो। मान लिया एक बिजनेस कर रहे हैं दोनों आदमी, 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो अश्विनी वालों को इनसे तो लाभ हो जाएगा, इनसे गेन हो जाएगा, लेकिन चित्रा वाले को अश्विनी से कितना मिलेगा। तो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक, ये केतु भी सक्सेस जोन में आया, तो ये दोनों को पार्टनरशिप, ये भी उनको सूट कर रहे हैं, ये भी इनको सूट कर रहे हैं, ये भी उनको सूट कर रहे हैं, दोनों आदमी एक दूसरे के पूरक हैं।
तो ये मैन टू मैन देखने के लिए मैंने ये सिस्टम, ऋषियों ने ये सिस्टम बनाया है जातक के लिए। लेकिन मान लिया चंद्रमा मकर राशि में है और चंद्रमा के नक्षत्र में आए मंगल, भगवान शंकर तो अभी भी हैं ये, लेकिन यहां चंद्रमा के नक्षत्र में आ गए तो चंद्र केतु हो गए या चंद्रशेखर हो गए, भगवान जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभित है, इस रूप की अधिक महत्ता हो गई। यहां पर चंद्रमा की महत्ता बहुत हो गई। शंकर तो है, चंद्रमा भी एक आ गए, शीतल हो गए, भगवान थोड़े शीतल हो गए। अब ऐसे स्वरूप में किसको क्या दे रहे हैं, ये चंद्रमा के घर में यहां पर मंगल हैं और मंगल के बाद ये राहु, ये गुरु, शनि, बुध, केतु के बाद शुक्र, सूरज, चंद्र, मंगल। तो ये मंगल तो पहले हमने जो क्लासिफिकेशन बता दिया वो तो आप लिख लिए कि चंद्रमा के नक्षत्र श्रवणा में मंगल रहते हुए वो मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं, मेरे संपत्ति तारा में है, मेरे लिए अच्छे हो गए और बुरे हो गए लिख लिया आपने। लेकिन एक बार इधर से भी चेक कीजिए, तीन ही पॉइंट चेक कीजिए सिर्फ। मंगल जहां है उससे एक जन्म संपद विपद, इनको भी इसी रूप में चेक करेंगे, ऐसे ही चेक करेंगे। जन्म संपद विपद गुरु के लिए अशुभ है, जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी इनके लिए अशुभ है, इनके लिए अशुभ है। तो चंद्रमा में रहते हुए मंगल हो सकता है कि आपके किए हुए कुछ पूर्व अपुण्य में से कुछ हिस्सा इसमें भी आपको मिल जाए। कारण कि ये तो भगवान हैं, भगवान मेरे मित्र नहीं हो सकते, मेरे दोस्त नहीं हो सकते हैं, मेरे शत्रु नहीं हो सकते हैं। भगवान किसी के मित्र नहीं, किसी के शत्रु नहीं, लेकिन उनकी स्थिति से भगवान यहां पर हैं तो उनके ताप से, उनके गर्मी से यहां प्रभाव पड़ रहा है, यहां प्रभाव पड़ रहा है, यहां प्रभाव पड़ रहा है। तो रिजल्ट कैसे कहा जाए? रिजल्ट कहने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, रिजल्ट यूं ही नहीं बोली जा सकती। अब मकर राशि है, मकर राशि में श्रवणा नक्षत्र है, श्रवणा नक्षत्र चंद्रमा का, उसमें मंगल, मंगल बहुत बली बलशाली उच्च के हैं, तो शुभ हो गए, शुभ तो हो गए। लेकिन नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से मेरे भगवान, जैसे गुरु वाले के लिए ये बहुत ठीक नहीं थे, तो हम जैसे मंगल के लिए, मेरे लिए मंगल शुभ है या नहीं, हम उल्टा एक बार चेक कर लेंगे कि मंगल मेरे लिए शुभ है या नहीं। कारण कि वो तो भगवान है, वो तो सेलेस्टियल बॉडी है, आकाशीय पिंड है, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, मेरे सखा, ये तो कोई व्यक्ति हो सकता है, जातक हो सकता है। इसलिए देखते हैं ना, कोई चीज खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं आज का दिन बढ़िया है तो आज एक डॉगी खरीद के ले आए,
किसी दिन सोचते हैं कि चलो आज गाड़ी खरीद के ले आए, आज का दिन बढ़िया है, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगा हमारा। तो जिस दिन मेरा साधक तारा, मेरे जन्म के हिसाब से जिस दिन साधक तारा पड़ता हो, उस दिन अधिकांशतः लोग सोचते हैं कि चलो आज कुछ अच्छा काम कर लेंगे तो, या गाड़ी खरीद लेंगे तो गाड़ी कम से कम डैमेज तो नहीं करेगा, किसी को हानि तो नहीं करेगा, एक्सीडेंट तो नहीं करेगा। ये अवधारणा है, नक्षत्र सिद्धांत से बहुत छोटी छोटी चीजें पकड़ी जा सकती हैं। तो मंगल जब श्रवणा नक्षत्र में आए तो और शुभ हो गए। करण किए मंगल पहले सूरज के घर में थे, यहां थे मंगल, तो यहां पर आग, यहां पर फायर और यहां पर फायर, दोनों जगह अग्नि थी। अभी मंगल यहां आ गए, चंद्रमा के घर में आ गए, तो मंगल में शीतलता आ गई, ठंडक आ गई, उग्रता नहीं है, सौम्यता आ गई। तो उस हिसाब से एक रिजल्ट देखेंगे। अब आपके दशा अंतर दशा में क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें दशा अंतर दशा के अंतर्गत ही आती हैं। गोचर का जो पूरा रिजल्ट है दशा अंतर दशा के अंतर्गत आती है, इसलिए हमने कहा कि इसमें बहुत रूल हैं। दशा अंतर दशा देखने के बहुत लंबे चौड़े रूल हैं। सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मंगल एक कड़ा ग्रह है, चंद्रमा नरम ग्रह है, तो उनकी दशा अंतर दशा में ये हानि हो जाएगी, वो हानि हो जाएगी। यस, वो भी होगा, जो आप बोल रहे हैं असत्य नहीं है, लेकिन उसके साथ आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। जैसे मान लिया किसी के कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि का है, मतलब तो चंद्रमा उच्च का है। इसी सिचुएशन को ले रहे हैं कि श्रवणा नक्षत्र में मंगल है, इस श्रवणा नक्षत्र चंद्रमा का है, इसी में मंगल है, तो क्या हो रहा है यहां पर? मंगल चंद्रमा के घर में गए हैं और चंद्रमा 100 पैसा बली है, उच्च के हैं। मेरे वर्ड को पकड़िए, मंगल चलते चलते सूरज का एरिया पार करके चंद्रमा के श्रवणा के एरिया में ढुके, चंद्रमा के नक्षत्र के घर में ढुके, और चंद्रमा वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, तो मंगल पहले से करोड़पति, अरबपति, खरबपति, और चंद्रमा भी वहां पर अरबपति खरबपति है, जैसे दो देश के राजा आपस में मिल रहे हो, राज्याध्यक्ष दो देश के मिल रहे हो, एक में एकदम शीतलता है, एक में थोड़ी सी उष्णता है, गर्मी है, लेकिन दोनों 100-100 पैसा बलवान है, ये भी बलवान वो भी बलवान, और बलवान जब भी कोई ग्रह हो तो शुभ हो जाता है। तो जिसके कुंडली में वृषभ राशि का है चंद्रमा, वृषभ का चंद्रमा है, तो ये मकर राशि का उत्तराषाढ़ा सूरज में प्रवेश, चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश और मंगल के नक्षत्र में प्रवेश टॉप क्लास होगा। जैसे मैंने कहा मेष राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए मंगल बहुत शुभ है, ये हमने राशि फल से कहा। अभी तक हमने नक्षत्र सिद्धांत से बताया कि चंद्रमा आपके हिसाब से आपके मित्र बनते हैं, परम मित्र बनते हैं, में बनते हैं, सक्सेस स्टार में बनते हैं, और चंद्रमा के हिसाब से आप शुभ बनते हैं या अशुभ बनते हैं। तीन तरह का रिजल्ट आया। अब इसमें वृषभ राशि में चंद्रमा है तो उच्च का हो गया, ये चौथा रिजल्ट हो गया कि भैया आपके जो भी इसमें फटा चिटा कपड़ा है वो सब उठा के फेंक दो, आपके
जीवन में जो भी छोटी मोटी दुख पड़ी हुई है, छुपी हुई है, जिसके लिए आप परेशान हो, तो आपका सब कुछ भूल जाओ, आपका कल्याण होने वाला है। मई 6 मई से लेकर के 12 नवंबर तक के अंदर में आपका कल्याण ही होने वाला है। कारण कि एक महान शुभ ग्रह मंगल, महान शुभ ग्रह चंद्रमा के घर में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं। ये एक एंगल हो गया, देख लीजिए, 4 एंगल हुआ यहाँ पर। किसी भी नक्श हिसाब को कहने के लिए आपको 4 एंगल टच करना पड़ेगा। अब मान लिया किसी के कुंडली में 4 नंबर में गुरु भी बैठा हुआ है, तो 4 नंबर में गुरु उच्च के होते हैं और वो चंद्रमा से सप्तम दृष्टि में सम्सप्तक पढ़ते हो, चंद्रमा की पूरी दृष्टि या गुरु की पूरी दृष्टि पड़ती हो चंद्रमा पर, तो सोचिए महान मंगल, महान शांत राजा चंद्रमा, और उस पर भी सबसे बली, सबसे बड़ा, सबसे सम्माननीय, सबसे ज्ञानी ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गज के श्री योग भी लगा हुआ है। रिजल्ट कितना टॉप क्लास होगा। इसको बोलते हैं छप्पड़ फाड़ करके ऊपर से धन बरसना। तो उसी तरह से निगेटिव रिजल्ट्स भी हो सकता है। तो जैसे किसी आदमी ने कहा कि अरे इस दिन सर आप हमारा कुंडली देखेंगे, 28 तारीख को समय दिया था, वो मेरे लिए तो 75% बढ़िया है, आपके लिए 25% ही बढ़िया है, तो डेट मुलतवी कर लीजिए। हम कहा चलो कर लो, तुमको जिसमें आनंद आए वही करो। इतना तो मैं आनंदित जरूर हुआ कि आप मेरे कंसेप्ट को समझे और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिकली यूटिलाइज भी करने लगे। जरूर कीजिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे पहले कारक को देखा जाता है, जैसे कोई ग्रह है और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जैसे मंगल उच्च के हो गए, तो मंगल किन चीजों के कारक हैं? कारक मीन्स इंडिकेटर। मंगल मैथ के इंडिकेटर हैं। मैं स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं, जिस बच्चे के कुंडली में 1 नंबर में मंगल हो, 8 नंबर में मंगल हो, 10 नंबर में मंगल हो, 5 नंबर में मंगल हो, 9 नंबर में मंगल हो, 12 नंबर में मंगल हो, उसको मैथ आता है, प्रोवाइडेड वहां पर और कोई दुष्ट ग्रह ना हो, उसको मैथ का पूरा फंडामेंटल क्लियर है। फिर मंगल शासन को इंडिकेट करता है, सेनापति है, शासन। तो आप यदि अच्छे पढ़े लिखे हो, अभी देखे आया आईएएस का रिजल्ट निकला, यदि आप अच्छे पढ़े लिखे हो, पढ़ाई पर थोड़ी सी भी योग्यता है आपकी, तो इस 6 महीना में यदि आपकी कोई परीक्षा है आप देते हो, तो आप जरूर सफल होगे, ये ध्रुव सत्य है। चेष्टा करके देख लो, पढ़ना पड़ता है, समय कितना पढ़ना है, 10 घंटे से नीचे नहीं पढ़ना पड़ता है। जैसी परीक्षा उसके हिसाब से समय का निर्धारण, ये नहीं कि 10 नंबर में है और पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो आप एकदम टॉप कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। स्थान काल पात्र तीनों का महत्व होता है। तीसरा आइटम है, मंगल को बोलते हैं रियल इस्टेट, जमीन जायदाद, मकान, घर, दुकान, होटल, व्यवसाय, जो भी कुछ आप कर रहे हैं रियल इस्टेट से संबंधित, माइंस, मिनरल्स, जो भी कर रहे हैं, यदि मंगल आपके कुंडली में ठीक है पहले से और अभी
6 मई से 12 मई के बीच में ये बहुत ऊंचे पोजीशन में आ जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सफल होगा। जो लोग ये व्यवसाय कर रहे होंगे वो बहुत सफल होंगे। मिट्टी का जो काम कर रहे होंगे, चाहे एक व्यक्ति खपड़ा बना रहा हो, चाहे एक व्यक्ति ईंटा बना रहा हो, वो भी सफल होगा। जो मैंस चला रहे होंगे वो भी सफल होंगे। जो कृषक हैं, जो खेती किसानी करके हल जोत रहे होंगे, भूमि कोड़ रहे होंगे, वो भी सफल होंगे। इस मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार होता है, चाक पर वो घड़ा बनाता है, मिट्टी का खिलौना बनाता है, वो भी सफल होगा। रियल एस्टेट को बोलते हैं, जमीन को बोलते हैं, मिट्टी को बोलते हैं। तो लैंड से संबंधित जो भी काम जो लोग कर रहे होंगे वो सफल होंगे। जैसे जो लोग क्रशर प्लांट बैठाते हैं, क्या क्रश करते हैं, तो पत्थर क्रश करते हैं, ये इसी में आता है। एक ऐसा पहाड़ जो जमीन के ऊपर है वो मंगल है, चाहे क्वार्ज का हो, चाहे आयरन ओर का हो, चाहे पार्शियली मैंगनीज वगैरह जिसका भी हो, वो मंगल है। तो कोई आदमी गिट्टी तोड़ने का काम करता है मशीन के जरिए, या बैठ करके तोड़वाता है या खुद तोड़ता है, तो 6 महीने में बहुत लाभ होने की बात है आपके लिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्डर्स हैं, मकान बनाते हैं हमारे लिए, तो जो बिल्डर्स हैं कुटिल नहीं है, तो सत्यवादी हैं, तो कुटिल नहीं हो, चीटिंग के नियम से आप नहीं काम कर रहे हो, तो बिल्डर्स लोग जो भी स्थिति में अभी होंगे, वो 12 नवंबर आते आते तक उनकी जय जयकार हो जाएगी, सफल हो जाएंगे पूरा। जो लोग जमीन का प्लॉटिंग करके बेचते हैं, उनके लिए भी बहुत लाभ की बात है। ये रियल एस्टेट भूमि संबंधी बात हुई, माइंस मिनरल्स। मंगल जब 10 नंबर में रहते हैं तो भगवान शंकर को इंडिकेट करते हैं, एक भगवान जिसके अंदर में सबसे ज्यादा अग्नि है। भगवान का तीसरा नेत्र भी है, हलाहल भी है, हलाहल विष भी है। तो ये अग्नि को फायर, तो जो लोग अग्नि का काम कर रहे होंगे उनको भी पूरी सफलता है। चाहे आप जनरेटर चलाते हो, चाहे आपका मेल्टिंग प्लांट हो, धातु पिघला के काम करते हो, चाहे आप सोना पिघला के काम करते हो, जो कारीगर सोना चांदी पिघला करके काम करते हैं, उस कारीगर की भी कार्य में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। तो अग्नि से, चाहे ये अग्नि बिजली का बल्ब हो, या चाहे बॉयलर हो, चाहे धमन भट्टी हो, कैसा भी जिसमें आग जलता हो, या एकदम गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, वो सर पे पुआल ला के बेचेगा, उसमें आग रहती है पुआल में, जरा सा माचिस लगा दीजिए पूरा जल जाएगा। तो पुआल को काट करके कुट्टी बना करके गायों को खिलाने के लिए बेचे वो चारा के रूप में, तो पुआल काफी काम करने वाला, मैंने लोएस्ट पॉइंट भी बोल रहा हूं मैं, और हाईएस्ट तो यह है कि आप माइंस मिनरल्स कर लीजिए। आयरन ओर का माइंस जो है उसमें भी अग्नि है, अग्नि तत्व है उसमें। तो मंगल ये भी दे रहे हैं, यही मंगल युद्ध क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं। तो जो लोग डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं या लड़ाकू हैं, चाहे सैनिक हैं,
चाहे कैसे भी ऐसी चीजों के साथ उनका विषय है जिसमें अग्नि का प्रवेश है, बम बनाना, रॉकेट्स बनाना, ईंधन बनाना, सारा चीज, जैसे बिजली का ओवन है, माइक्रोवेव ओवन घर में सबके घर में है, बहुतों के घर में है, सबके नहीं, उन लोग को भी जो ये कारोबार कर रहे हैं उनका भी लाभ होगा। सो अग्नि से, जैसे धरती से हमने कहा, अग्नि से भी आपका लाभ होगा। अब श्रवणा नक्षत्र में आने से इसमें एक चेंज और आ गया। ये चंद्रमा को बोलते हैं, चंद्रमा समुद्र से निकली है, समुद्र से निकले हैं, चंद्रमा बोलते हैं हम लोग, तो इट इज ए सॉल्टेड वाटर, और उसी में एकदम गर्म, गर्मा गर्म मंगल पहुंच गए 100%, तो पानी सॉल्टेड वाटर गर्म हो गया, तो ये केमिकल्स हो गए, एसिड हो गए, तो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी जो लोग काम कर रहे होंगे उनको भी लाभ होगा। जो लोग पेट्रोल पंप, किरासन, डीजल ऐसी चीजों का भी काम कर रहे होंगे उनको भी विशेष लाभ होगा। तो मंगल एक ग्रह है और ये बहुत विस्तार से रिजल्ट देंगे, बहुत विस्तार से रिजल्ट। सूक्ष्म रूप से मैंने छोटे छोटे बहुत सारे आइटम आपको बता दिया, लेकिन जिनके कुंडली में चंद्रमा उच्च का है उनको ये दोगुना तिगुना लाभ देंगे, उनका भाग्य का निपटारा हो सकता है, भाग्योदय हो सकता है। जिनके जन्म कुंडली में मूलतः मंगल मेष का है, वृश्चिक का है, मकर का है, सिंह का है, धनु का है, आपको विशेष लाभ मिलेगा। जिनके कुंडली में मूलतः मंगल और गुरु एक साथ हैं उनको भी विशेष लाभ मिलेगा। तो दशा ऐसा नहीं है कि आप झट से बोल दीजिएगा कि सूरज में मंगल की ये दशा चल रही है तो ये सब हो जाएगा। गोचर जो है वो दशा अंतर दशा के अधीन होती है और इसके सारे रिजल्ट मिला करके दशा अंतर दशा की बातें बोली जाती है। स्थान काल पात्र तीनों जुड़ता है इसमें। तो चंद्रमा में जब तक ये सीधा चल रहे हैं 15 डिग्री तक पहुंचेंगे मंगल, मकर राशि में जब तक ये 15 डिग्री तक चलेंगे, वो तारीख है 27 जून तक, वो डायरेक्ट चलेंगे, यहां पर सब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 27 के बाद से ये फिर वापस लौट रहे हैं, जैसे सीधे मैं चल रहा हूं तो पीछे भी लौट रहा हूं, ऐसे उल्टे पांव लौट रहा हूं, तो ये इसको जो पीछे की ओर मुड़ के चलने की जो गति है, जो दिखाई देती है आकाशीय स्थिति, उसको बोलते हैं बक्री ग्रह। मंगल बक्री हो जाएंगे, उल्टे पांव चलेंगे मंगल। तो मंगल जब उल्टे पांव चलेंगे, लेकिन रहेंगे श्रवणा में ही, श्रवणा नक्षत्र में ही रहेंगे और चलेंगे उल्टे पांव, रिजल्ट में फर्क हो जाएगा। सीधे चल रहे थे तो एक सीधा रिजल्ट मिल रहा था, तो ये उल्टे पांव, उल्टे पांव चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मंगल के जो दो हाथ है, एक में मेष
और एक में वृश्चिक, एक और आठ मंगल का दो टुकड़ा है, एक माने मंगल, आठ माने मंगल, और मंगल उल्टे चलेंगे तो ये भी साथ में उल्टे चलेंगे। एक हाथ मंगल नंबर एक, नंबर एट इज अनदर हैंड, और मंगल खुद उल्टे चल रहे हैं तो दोनों राशियां भी उल्टे चलेंगे। तो इसके अंदर में मेष राशि को ये उलट पुलट करेंगे और वृश्चिक राशि को उलट पुलट करेंगे। तो आपकी जो लग्न हो उसके हिसाब से एक नंबर यदि सुख के घर में पड़ता है तो सुख को उलट पुलट करेंगे, आठ नंबर यदि आपके आयु के घर में पड़ता है तो वहां थोड़ा उलट पुलट करेंगे। ये बकरी अवस्था में जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव संबंधित स्थिति में थोड़ा छेड़छाड़ हो जाता है, तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि जो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं और आप प्रयास कर रहे हैं तो आपका कर्जा भी उलट जाएगा, एक कर्जा भी उलट जाएगा आपका। कोई मैटर बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है आपका, तो आप इस छह महीने में भी प्रयास करोगे तो वो सारी चीजें जो गड़बड़ हो रही हैं वो सीधे रास्ते पर उल्टे होकर के आ जाएंगे, गड़बड़ है तो उल्टे होकर आ जाएंगे। तो जिनको चेज करना हो, जिनके पैसे डूबे हुए हैं, ये छः महीना आपके पास बहुत बढ़िया समय है, आप चेजिंग करो, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। आप कोशिश करो आपकी खोई हुई गरिमा, इज्जत, प्रतिष्ठा सब वापस आ सकती है। कब तक? 27 जून से लेकर के 27 जुलाई के बीच में, ये एक महीना, और भी मौका मिलेगा। ये टेढ़ी मेढ़ी चाल सांप कैसे चल रहे हैं, तो कभी अच्छे कभी बुरे, इसलिए सिर्फ ये कह दूं कि मंगल मकर राशि में है तो मेष राशि वालों के लिए मिलेगा, वृषभ राशि वालों के लिए मिलेगा, मिथुन राशि वालों के लिए मिलेगा, ये इस तरह से ब्लैंक बोलना तो ठीक वैसे ही है जैसे ब्लैंक फायर करते हैं, लग गई तो लग गई, नहीं तो नहीं लग गई। बच्चे खेलते हैं ना गुल्ली डंड, लग गई तो लग गई, तो हिट कर सकती है, नहीं भी हिट कर सकती है, सही नहीं भी हो सकता है जजमेंट। आपको नक्षत्र सिद्धांत से ये देखना होगा उसमें बकरी गति से चल रही है और जिस नक्षत्र में मंगल है उस नक्षत्र के अधिपति का क्या हालत है। सर्वणा नक्षत्र है तो सर्वणा के श्रवणा के स्वामी चंद्रमा है, उसकी क्या हालत है आपकी कुंडली में, कहीं वो केमद्रुम योग में तो नहीं फंसा हुआ है, कहीं उसके साथ राहु तो नहीं सटा हुआ है, कहीं उसके साथ केतु तो नहीं पड़ा हुआ है, कहीं चंद्रमा आपके अष्टम भाव में तो नहीं पड़ा है, कहीं चंद्रमा आपके ट्वेल्थ हाउस में तो नहीं है, कहीं चंद्रमा उपचय में तो बेकार स्थिति में नहीं पड़ा हुआ है। इतनी सारे बातें देखे जाती हैं। तो मैं भी दुविधा में पड़ जाता हूं कि कितना बोलूं और कितना बताऊं, ज्यादा बोलने से बोरिंग भी हो जाता है, कंफ्यूजन भी हो जाता है और अर्ध ज्ञान ये बड़ा भयंकर होता है। ज्योतिष में अधिकांश दो तीन किताब पढ़ लेने के बाद, थोड़े से रूल जान लेने के बाद लोग अपना प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। अपने तक करते हैं वो तो ठीक है, दूसरे के लिए यदि आप प्रेडिक्शन करते हैं तो हो सकता है आप उनका भट्टा बैठा देंगे। तो पूरा ज्ञान, जैसे मैं आपको सिर्फ मंगल का श्रवणा नक्षत्र में क्या हालत होगी उसके लिए मैं इतनी देर से बोल रहा हूं और तरीका बता रहा हूं कि आप अपने से, चंद्रमा जब श्रवणा में है तो अपने नक्षत्र से गिनिए, सब कोई अपने अपने नक्षत्र से गिनिए कहाँ है, तो आप पाएंगे कि अच्छे हैं या बुरे हैं, आप क्लासिफाई कर लेंगे।
फिर दूसरी बार मंगल चंद्रमा में है, वहां से गिनिए कि किस पर उनकी विपद वाली दृष्टि पड़ रही है, किस पर उनकी बाधक की दृष्टि पड़ रही है, किस पर उनकी प्रत्यारी की दृष्टि पड़ रही है, वो लोग थोड़े सावधान हो जाएं। हाँ, ये सब तो मिल सकता है, लेकिन शायद शायद दैत्य की कृपा उतनी नहीं होगी जितनी मिलनी चाहिए। मैं जितना आशा कर रहा हूँ शायद उतना ना मिले। देव भगवान शंकर बोले उतने प्रसन्न नहीं है, तो आपको उनकी आराधना करनी पड़ेगी, भगवान शंकर चंद्रशेखर की पूजा करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा कि भगवान बैठे हुए हैं और उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और दिव्य प्रकाशमान चंद्रमा रोशनी निकल रही है और वो एकदम वातावरण में चंद्रमा की रोशनी घुल गई है और उसी रोशनी में आप सौ परिवार अपने परिवार के साथ बैठ करके भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, कल्याण मांग रहे हैं, उनके पंचाक्षरी मंत्र का जप कर रहे हैं, जो भी ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, देखिए आपका रुआ सिहर जाएगा, खड़े हो जाएंगे रुए आपके, मिल जाएगा। जब तक ध्यान करने में बदन में सिहरन ना आए और रुआ खड़ा ना हो जाए, आपका ईश्वर से संपर्क नहीं हुआ है, लगभग ये मान करके चले, थंब रूल बोल रहा हूं। तो श्रवणा नक्षत्र में आने से ये सारे रिजल्ट होंगे। लौटने के समय में 27 जून से लेकर के 27 जुलाई तक जो मेष राशि जिसके जिस भाव में पड़ता है उसमें थोड़ी सी उलट पुलट हो सकती है, 8 नंबर जहां पड़ता है वहां थोड़ी उलट पुलट हो सकती है, इसको समझ लेंगे कि शायद हमको इस ओर ध्यान देना है। यदि किसी के 6th हाउस में पड़ता है तो आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, किसी के 4th हाउस में पड़ता है बच्चा है तो उनको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देनी है, यदि किसी का 11th हाउस में पड़ता है मेष राशि या वृश्चिक राशि तो उनको ये ध्यान देना है कि हम थोड़ा चेजिंग कर लें तो हमारा खर्चा लौट के आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एसेसमेंट करना पड़ेगा। आज यहीं तक इसको विराम दे रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, फिर यहां से ये लौटेंगे ना, यहां से ये फिर लौटेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, मंगल जो है ये फिर लौटेंगे, ये फिर ऐसे जाएंगे और तब ये 10 नंबर खत्म करके ये 11 नंबर में मकर राशि में प्रवेश करेंगे नवंबर में। तो दो बार स्थिति होगी उत्तराषाढ़ा में, श्रवणा में, ये दो बार ढुकेंगे, ये पहली बार की स्थिति है, हमने आपको बता दिया। और आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप इसको समझिए, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वही सत्य है, सिद्ध है, सत्य है, ऐसा नहीं है। आपको भी अपने तर्क के कसौटी पर देखना पड़ेगा कि मिश्रा जी जो बोल रहे हैं कितना सही है। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें अध्ययन के साथ मेरा अनुभव भी है जीवन का, जिन जिन चीज़ों को जीवन में मैंने अनुभव नहीं किया है उस चैप्टर को मैं छूता नहीं हूँ, बोलता भी नहीं हूँ, उन सब चीज़ों को मैं नहीं बोलता हूँ। कारण कि जिस पर मेरा अनुभव की कमी है, जिसको मैंने अनुभव ही नहीं किया है, उसके बारे में बोलूँ तो सिर्फ वो किताबी ज्ञान होगा और वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कारण कि बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि स्थिति भेद सब देखना पड़ता है। तो थोड़ा अध्ययन कीजिए, जो लोग सीख रहे होंगे उनको बोल रहा हूँ, और जो लोग सिर्फ मंगल की टेढ़ी मेढ़ी चाल का फल सुन रहे होंगे तो जो कर्जे में होंगे मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़े अच्छे दिन आपके आने वाले हैं, कारोबार डूब गया है तो फिर से लौट के खड़ा होने की संभावना है, आप मेहनत लगाइए, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। आज यहीं तक, इति शुभम तेहंदो जोहार।